सो दोस्तों, इतने दिनों से वीडियो इसी वजह से नहीं आ रही थी कि हमारी प्यारी हेला अब नहीं रही इस दुनिया में। हम इस चीज़ से कवर ही नहीं हो पा रहे, घर के बहुत बुरे हाल हैं, कोई भी कवर नहीं कर पा रहा इस चीज़ से। और जिस दिन मैंने लास्ट वीडियो डाली थी वो उसी के ही एक से दो घंटे बाद वो भगवान के पास चली गई थी बेचारी। उसने इतनी हिम्मत करी ना, मतलब हद से ज़्यादा उसने हिम्मत करी। इवन वो ठीक भी हो गई थी, उसने 400 ग्राम वेट भी पुट कर लिया था, बट एकदम से फिर वो ऐसे डाउन हुई कि वो समझ ही नहीं आया क्या हो गया। शाम को वो बिल्कुल अच्छे तरीके से खेल रही थी, बट रात को रात के 3 बजे वो मम्मी के पास गई है, और मम्मी के पास जाके उसने बोला है मम्मी को, तो फिर वो मम्मी ने देखा कि वो बेचारी बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा ढीली हो गई थी ना कि इवन उसने इसके जो पोटी उसने वहीं कर दी थी, ठीक है। और फिर मम्मी ने उसे उठाया तो बस वो पता नहीं क्या था कि वो माँ के पास ही जाके बता के आई कि माँ बस आप पूरे हो गए सास। तो फिर वो मम्मी के हाथों में ही ऐसे होगी कि मतलब कि उसने शरीर छोड़ ही दिया। बट उसके बाद भी सुबह उठते ही इमरजेंसी में मैं और पापा उसको लेके गए, उसको ड्रिप वगैरह चलाई, इंजेक्शन लगा, बट कोई असर नहीं हुआ। शाम तक फिर वो सिर्फ इवन सांस ले रही थी, वो बिल्कुल छोटे छोटे सांस ले रही थी, बस पता नहीं कैसे रह रही थी वो। बट शाम को फिर जब हमने वापस डॉक्टर के पास ले गए, ड्रिप वापस लगाई, उसके बाद घर आए, घर आने के मतलब ये बताऊँ आपको कि 1 घंटे बाद मम्मी ने तो मुझे बताया भी नहीं था, मेरे को भी 15-20 मिनट बाद बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, क्योंकि भाई रुका ही नहीं गया किसी से, मतलब यार इतनी सी लाए थे और हाथों में पाली है वो, और ऐसे हाथों में जाते हुए कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखेंगे। बट पता नहीं क्या मंजूर ऊपर वाले को, आज तक किसी का बुरा नहीं करा, सब चीज़ें ढंग से करी, सब चीज़ें सही करी, बट फिर भी ये दिन दिखा दिए। तो ये था, इसलिए मम्मी पापा और मान लो, और दूसरी बात कि आप लोगों को इतनी लेट अपडेट क्यों दी, क्योंकि भाई एक्चुअली मानू चंडीगढ़ थी और उसको पता नहीं था, अगर उसको वहाँ बता देते तो उसको 3 दिन बाद आना था, उसके पेपर चल रहे थे, अगर उसको बता देते तो वो पेपर सब कुछ मतलब सदमा लग जाता, उधर कोई उसके साथ भी नहीं था, मतलब फैमिली मेम्बर जो उसको सपोर्ट दे सके, तो इसलिए किसी को नहीं बताया, मानू को नहीं बताया, और आप लोगों को भी अपडेट नहीं दी। तो फिर मैं खुद मानू को लेके आया था, उसके बाद यहाँ घर पे आने के बाद उसे बताया कि ऐसे से हुआ। तो कोई भी मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, वो रो रहे हैं कि मुझे हेला वापस ला के दो, बस अब क्या कर सकते हैं, अब कोई भी वो नहीं है। और इन सब चीज़ों में 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं हुआ है, इस वजह से आप लोगों के जो फ़ोन थे, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो भाई हमसे, हमने देख लिया इतनी ज़्यादा फ़ोन आए हैं, इतनी कॉल्स आई है, बट मैं नहीं उठा रहा था, मैं इसलिए नहीं उठा रहा था, मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैं खुद नहीं दे पा रहा कि हमारी छोटी सी फूल सी बच्ची वो चली गई है, मतलब इजी नहीं है भाई, बिल्कुल भी इजी नहीं है। लोगों के लिए होगी कोई बिल्ली या डॉग, बट हमारे लिए तो बच्ची थी ना हमारी, मेरी माँ के लिए तो वो बेटी थी ना। तो बस ये चीज़ें थी, ये इसलिए हम नहीं आ पा रहे थे, ये 6-7 दिन जो बीच में नहीं आई कोई अपडेट, वो इस वजह से नहीं आई। बाकी आप लोगों ने प्यार बहुत दिया भाई, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार मैं मुझे मिल सकता है, बट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बट भाई आज हमारी फैमिली को, हम सब को जुड़ता है मजबूत होने की थोड़ी बहुत, क्योंकि वो प्यारी सी बच्ची हमें ये चीज़ सिखागी कि ना हर पल जीना चाहिए, हर पल, पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, तो इसलिए हर पल जियो भाई, और करेंगे धीरे धीरे, आएंगे कंटिन्यूटी में, सिस्टम ही वो हो गया, घर से एक बच्चा चला गया। तो ये चीज़ें थी, मैं मम्मी मानू पापा और वीडियो में नहीं आ पा रहे थे ना, कैसे आते हम भी वीडियो नहीं शूट, किस मुंह से शूट कर लेते भाई, किस मुंह से शूट कर लेते, कि मतलब
बोलते बोलते आँखों में से आंसू आ रहे हैं, तो ये चीज़ें हुई। इसलिए अभी भी मैं फार्म पे बैठ के ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी अपडेट देना ज़रूरी है। थोड़ी सी क्लिप आदित्य ने शूट करी थी तो वो मैं आपको डाल देता हूँ कि क्या बुरा हाल हुआ है। बट आप लोगों से की वो है रिक्वेस्ट कि आप लोग भी ज़्यादा उसको अच्छी तरीके से याद करना, बस अच्छी तरीके से, क्योंकि वो बहुत प्यारी बच्ची थी और वो है तो हमारे पास ही कहीं ना कहीं रहेगी और हमेशा रहेगी और हमारे यादों में है वो हमेशा और हमारे साथ एक एक पल, मतलब ऐसे लगते हैं यार जब बैठे होते कि अब आएगी वो, छोटी सी चल गए, वो पूछ ला गए, पर क्या करें। तो वो आपको अपडेट देनी थी, वो दे दी। अब थोड़ी सी क्लिप मम्मी मानो और की भी है शूट करी थी, वो आप देख लो। उसके बाद कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी वापस आएंगे चैनल पे। आप लोग बताओ थोड़ा बहुत कमेंट सेक्शन में, तो जरूर रखते हैं। Thank you.